जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 17वें दिन भी भारतीय सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जवानों ने कई आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं और इसी दौरान पुलिस ने 6 संदिग्धों को पकड़ा भी है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों की हर जरूरत को पूरा करते थे। आपको बता दें 11 अक्टूबर से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी सामने आई है। पुंछ के करीब भत्ताधोरिया के जंगलों में चप्पा चप्पा छाना जा रहा है और इसी दौरान आतंकियों के छुपने के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, उनमें आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के ठिकाने में काफी सामान बरामद हुआ है, कपड़े मिले हैं, खाना मिला है, AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन भी मिली है, गोलियां भी मिली हैं, 2 ग्रेनेड मिले हैं, 2 डेटोनेटर्स और 2 सिरिंज मिली हैं। आपको बता दें 11 अक्टूबर को भारतीय सेना को जानकारी मिली थी कि पुंछ के जंगलों में कुछ आतंकवादी देखे गए हैं। उसी का पता लगाने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मुठभेड़ हुई और हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसमें 1 JCO भी शामिल थे। उसी दिन से भारतीय सेना के आतंकियों के खिलाफ जगह जगह सर्च अभियान चल रहे हैं और इन्हीं अभियानों में अब तक 16 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जिसमें कई खूंखार आतंकी भी शामिल हैं। लेकिन साथ ही भारतीय सेना को भी इसका भारी नुकसान हुआ है। दरअसल जारी मुठभेड़ों में अभी तक हमारे 11 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।